जैसे कि एक अवतल दर्पण है हमारे पास। अब हम इमेज फॉर्मेशन करने वाले हैं एक कॉनकेव मिरर के अंदर। कॉनकेव मिरर के अंदर क्या करने वाले हैं हम, इमेज फॉर्मेशन। हम क्या करेंगे, जैसे मेरे पास ये एक अवतल दर्पण है, मैं इसको एक अवतल दर्पण बनवा लेता हूँ, ठीक है, अवतल दर्पण है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या होगा, ये पोल होगा, यहाँ पर ये क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यानी कि वक्रता केंद्र, और बीच में क्या होगा, ये फोकस होगा, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस साइड में देखो, मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी कल। सबसे पहले दो नियम की बात कर लेते हैं, छोटे छोटे बेसिक से रूल्स ये हैं कि कभी भी हम, जब भी हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो उस ऑब्जेक्ट को हमेशा हम मिरर के लेफ्ट साइड में ही रखते हैं। इस साइड में रखेंगे, लेफ्ट साइड, कभी भी हम अपना ऑब्जेक्ट राइट साइड में नहीं रखेंगे, बात क्लियर है। और जो हम रेज लेके आएंगे, प्रकाश की किरणें जो आएंगी, वो भी आपकी लेफ्ट टू राइट आएंगी, कभी भी हम उसको राइट टू लेफ्ट नहीं लाएंगे, क्लियर है। क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखते हैं, इसलिए हमें प्रकाश की किरणें भी लेफ्ट से राइट में ही दिखानी पड़ती है। कभी भी हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को इधर रख दिया और इधर से प्रकाश की किरणें लेके आ रहे हैं, नहीं, हम क्या करेंगे इधर से, कर सकते हैं ऐसा भी, ठीक है, तो ताकि ये ना हो कि हम कंफ्यूज ना हो जाएं कि कभी इधर रख लिया ऑब्जेक्ट, कभी इधर रख लिया ऑब्जेक्ट, कभी इधर रख लिया, कभी उधर रख लिया, ताकि एक ही जगह सुनिश्चित हो, इसलिए हम क्या करते हैं, एक ही साइड में, इस साइड में ऑब्जेक्ट रखेंगे और उसकी क्या करेंगे, फॉर्मेशन। अब हम क्या करने वाले हैं, बारी बारी से इस कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखेंगे और उसकी इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कि उसकी इमेज कहाँ पर फॉर्म होती है, कैसे, समझो, हम कहाँ कहाँ पर रखने वाले हैं, हम इस पूरे मिरर में छह जगह पर रखने वाले, हम छह पोजीशन पर अपना ऑब्जेक्ट रखने वाले। ऑब्जेक्ट क्या है, एक कोई भी वस्तु जिसको मैं एरो में दिखाऊंगा, ये ए है और ये बी, ये सीधी वस्तु है। अब मैं इसको उठा के क्या करूंगा, यहाँ पर रखने वाला हूँ, ठीक है, तो कितनी जगह रख सकता हूँ, देखो मैं अपने ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में रख सकता हूँ, बोलो रख सकता हूँ, नहीं, मैं अपने ऑब्जेक्ट को एफ पर रख सकता हूँ, रख सकता हूँ ना, मैं अपने ऑब्जेक्ट को एफ और सी के बीच में रख सकता हूँ, मैं अपने ऑब्जेक्ट को सी पर रख सकता हूँ, सी से बाहर रख सकता हूँ, और इसको यहाँ पर अनंत पर भी रख सकता हूँ। कितनी पोजीशन बन गई, छः, देखो एक दो तीन चार पाँच और ये छः, तो इन सिक्स अपना ऑब्जेक्ट रखेंगे और ये देखेंगे कि अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो हमारी इमेज कहाँ पर बनेगी, किस प्रकार की बनेगी, वर्चुअल होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, इरेक्ट होगी, कैसी होगी, सीधी होगी, उल्टी होगी, आभासी होगी, वास्तविक होगी, ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। तो जब मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ यहाँ पर ऐसे रखूँगा, इसमें छः की छः पोजिशन है ना, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनका रे डायग्राम आता है एग्जाम के अंदर, तीन से चार नंबर का सवाल तो पक्का पक्का मिलेगा ही आपको एक रे डायग्राम के ऊपर, ठीक है। इसमें भी इन छः के छः में से भी दो तीन ऐसी पोजीशन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि पहली पोजीशन है, अपने ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में, सबसे पहली पोजीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक और इंपॉर्टेंट है, कौन सी, एक सी वाली और एक ये एफ और सी वाली, बाकी तो सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो एक आपकी कौन सी है, पहली वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि इन छह के छह में से बाकी सब एक तरह से ही इमेज बनेगी, बस पहली वाली कंडीशन में जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, अलग अलग बनेगी, वो कैसे बनेगी वो आगे हम देखेंगे। अब एक चीज और समझो, अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट से इमेज बनानी है, तो ऑब्जेक्ट से इमेज बनाने के लिए हमारे पास कुछ रिफ्लेक्शन के नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, कि अगर प्रकाश की किरण आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट कैसे होगी। अगर हम ये बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें कुछ नियम याद होने चाहिए, कुछ पता होने चाहिए, कि अगर प्रकाश की किरण समांतर आती है तो उसका परावर्तन कैसे होगा, कोई प्रकाश की किरण एफ से जाती है तो उसका परावर्तन कैसे होगा, कोई सी से जाती है तो उसका परावर्तन कैसे होगा। तो अवतल दर्पण में हम किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने से पहले उसके अंदर प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है वो सीखेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, मैंने क्या बोला, हाँ बच्चों सुनो, तो ये जो चार नियम है ये आपके अवतल दर्पण में जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जब भी कोई प्रकाश की किरण समांतर आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा कहां से आएगी, वो एफ से। नंबर दो, जब भी कोई प्रकाश की किरण फोकस से ऊपर गुजरती है, कहां से ऊपर गुजरती है, फोकस से, तो हमेशा याद रखो वो परावर्तन के बाद इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, समांतर, ठीक। इसी का उल्टा, इसमें क्या हो रहा था, समांतर किरण आ रही थी, फोकस से जा रही थी,
इसमें क्या होगा, फोकस से आएगी समांतर हो जाएगी, फोकस से आएगी समांतर, फोकस से आएगी समांतर हो जाएगी, समझ गए, फोकस से आएगी समांतर हो जाएगी, समांतर आएगी फोकस से, चलिए क्लियर हो गई बात। पहला नियम और दूसरा नियम दोनों क्लियर। नंबर तीन देखो, जब भी कोई प्रकाश की किरण सी से आती है, कैसे आएगी, सी से, और वो अवतल दर्पण से अगर टकराती है, परावर्तन होगा उसका, तो रिफ्लेक्शन हमेशा उसी सेम डायरेक्शन में वापस हो जाएगा, वो सी से आएगी तो सी से ही वापस चली जाएगी।